अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सोशल न्यूज़ उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। आज 3 फरवरी बरोज़ जुमेरात 2022 है। इस वक्त की बड़ी अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर की जाती है। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर चंद लोगों ने बंदूक के ज़रिए से हमला कर दिया है। तो नाज़रीन, बड़ी खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल महफूज है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। अभी थोड़ी देर पहले अपने ऑफिशियल ट्विटर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट करके बतलाया कि अभी थोड़ी देर पहले छिजारस टोल प्लाज़ा पर मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई है। 4 राउंड फायरिंग किए, वहां पर 3-4 लोग थे, सब फरार हो गए और हथियार वहीं पर छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंचर हो गई लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठ कर चला गया। वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला हिफाजत करने पर आ जाए तो पूरी दुनिया मिलकर चाहे तो किसी को भी ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नाज़रीन, आपको बता दिए, मामला ज़िला हापुड़ के पिलखवा का बताया जा रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन नामालूम बदमाशों पर कार्रवाई की जा सके। चलिए चलिए चलिए, लाइव चलो, तुम यही रहो, गोली चला कर।